हम खुद ऐसी बस्ती में रहते थे तो मुझे लगता था कोई बच्चा नया कपड़ा पहना है तो मुझे भी नया कपड़ा मिलना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं तो उनके साथ मुझे दीपावली मनाने में बहुत खुशी मिलती है, इसलिए मैंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। देश के कोने कोने में जहां एक तरफ दिवाली की धूम रहती है तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक तंगी की वजह से कई घर रोशन नहीं हो पाते, लेकिन ये कमी उन घरों के बच्चों की खुशी कम न कर सके, इसके लिए योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने पहल शुरू की है, जिसके तहत वे हर साल झुग्गी बस्ती के गरीब बच्चों को घुमाने ले जाते हैं और उन्हें शॉपिंग करवाते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जब वे बच्चों को वंदे भारत ट्रेन से लेकर लखनऊ पहुंचे। यहां वे न केवल बच्चों को शॉपिंग करवाएंगे बल्कि उन्हें जगह जगह की सैर भी कराएंगे। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, सुनिए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा सबका साथ सबका विकास वो धरातल पर दिखाई दे, हर घर रोशनी का जो हमारा एक मन में एक भावना है कि हर घर रोशनी, हर कोई, मेरी विधानसभा में 59 ऐसी दलित बस्ती है और कई सारे ऐसे हाथे हैं, उन सभी हाथों से उन बच्चों को चिन्हित करके हर साल अलग 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 अलग, फिर उसके बाद फिर उनका नंबर आ जाता है, तो ऐसे ही लेकर के हम लोग हर साल आते हैं। और हम सबके अभिभावक आदरणीय राज्यपाल महोदय ने एक बार कहा था कि बच्चे कभी अच्छी बस पे नहीं बैठे होंगे, अच्छी गाड़ियों पे नहीं बैठे होंगे, तो मुझे लगा वंदे भारत ट्रेन जो आज देश की सबसे लोकप्रिय ट्रेन है, सबसे अच्छी ट्रेन है, हर किसी का सपना होता है वंदे भारत ट्रेन पर बैठें, तो बच्चों को वंदे भारत ट्रेन से लेकर के आए और बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है इनको। झूले और वाटर पार्क में खेल कूद मस्ती करेंगे, फिर शाम को आएंगे यहाँ पर लुलू मॉल में शॉपिंग करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ जा करके कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है, उस प्रोग्राम में आनंद लेंगे, उसके बाद फिर वो रवाना होंगे। 3 दिन और 2 रात का ये प्रोग्राम। सर, दिवाली को खास बनाने की जो अनूठी पहल आपके द्वारा शुरू की गई है, पिछले साल भी आए थे, कब से इसकी शुरुआत की आपने? बहुत पहले मैं राजनीति में भी नहीं था, मैं अपने बच्चों को गाड़ी पे बैठाल करके जा रहा था कपड़े दिलाने के लिए, नए कपड़े दिलाने के लिए, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे वो कूड़ा बिनने वाले बोरा रख करके पीठ पर अपनी रोजी रोटी तलाश रहे थे, माने प्लास्टिक की बॉटल या टीन की बॉटल इस तरह से बिन रहे थे, तो मैंने वहीं गाड़ी रोकी, उनको किसी तरह से बहला फुसला के बैठाने की कोशिश की, तो वो डर रहे थे, फिर भी उनको समझा के बैठा ले, फिर लेकर के गए प्रयागराज में, एक बहुत बड़ी दुकान है मदन कलेक्शन, वहाँ बच्चों को कपड़े दिलाए। तब से मेरे मन में आया कि हम अपने बच्चों को तो दिलाते हैं और सारे ऐसे बच्चे जो खुशी नहीं पा सकते उनके मन में भी खुशी हो, उनके मन में भी भाव हो। हम खुद ऐसी बस्ती में रहते थे तो मुझे लगता था कोई बच्चा नया कपड़ा पहना है तो मुझे भी नया कपड़ा मिलना चाहिए, तो मम्मी पापा से जिद करते थे। तो जो ऐसे लोग हैं तो उनके साथ मुझे दीपावली मनाने में बहुत खुशी मिलती है, इसलिए मैंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। वहीं सफर का हिस्सा बने बच्चे काफी एक्साइटेड दिखे, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। आप एक हाई स्पीड ट्रेन से लखनऊ आई हैं, कैसा रहा ट्रेन का सफर? बहुत अच्छा। तो कल तमाम जगहों पे जाएंगी, कितना एक्साइटमेंट है, क्या तैयारी है? बहुत तैयारी है, नए नए कपड़े खरीदेंगे, सैंडल खरीदेंगे, फ्रॉक खरीदेंगे, बहुत कुछ खरीदेंगे। दिवाली से ठीक पहले इतना बड़ा सरप्राइज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सफर तो बहुत ही अच्छा था, और मतलब स्नैक्स और सर्विस बहुत अच्छी लगी। कल तमाम जगहों पे जाएंगे, स्विमिंग पूल देखेंगे, मॉल देखेंगे, क्या खरीदेंगे, कैसा उत्साह है? बहुत ही अच्छा उत्साह है, और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो वाटर पार्क जाने की है, तो इसलिए। घर से क्या क्या तैयारी करके निकले हैं? घर से वही कपड़ा, और सोचे हैं कपड़ा ले लेंगे और जूता मोजा। कल कपड़े भी खरीदने जाएंगे, शॉपिंग मॉल जाएंगे, तो क्या खरीदेंगे वहाँ से? अगर कोई खेलने का सामान रहेगा तो वो खरीद लेंगे, और या तो कपड़ा। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ ट्रेन से आते हुए, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा व्यवस्था था।
अभी आप आनंदी वाटर पार्क जा रही हैं, कल तमाम जगहों पे शॉपिंग करेंगी, घूमेंगी, इसको लेकर कितना उत्साह है? बहुत ही उत्सव है।